आज हमारा कंसर्न फोकस प्रेफरेंस ये नहीं है बिल्कुल टुडे वी आर लर्निंग अबाउट हैड टू। आज हमारा लेक्चर है हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या लेक्चर है हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हैव टू फैमिली का दूसरा फैमिली मेंबर जिसका नाम है फर्स्ट फॉर्म बहुत ही अहम लेक्चर ये भी वही बात करता है जो हैव टू बात करता था

हम नहीं करना चाहते थे पास्ट में मगर करना पड़ा तो जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे निशानदेही करेंगे किसी ऐसे काम की जो पास्ट में आपको करना पड़ा तो उसके लिए होल सोल इंग्लिश में कौन सा लेक्चर है hey वो to है पास ड्यू टू रीजन ड्यू टू नेसेसिटी ड्यू टू समय है इसका सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन हाँ, मुदस्से जरा बता दो जरा आई वी फर्स्ट पर्सन सेकेंड यू ही शी दे एट ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा हैड टू और हैड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट yeah. फॉर्म है मैंने पहले भी कहा है कि नाइनटी नाइन परसेंट टू के बाद अगर वर्ब आ वर बार अगर है, है जबरदस्ती नहीं अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म आती है ये रूल इंग्लिश का फिर सब्जेक्ट आपको पता है, है। इंसान तो क्या कर सकता है फिर तो गलती नहीं होनी चाहिए जब पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है फिर तो आपको मौके से फायदा उठाना चाहिए क्या बोलते हैं मौके से मौका देख के? चौका मौके से फायदा उठाना अवेल द चांस मौके से फायदा उठाना कुछ भी हो सकता है अवेल द चांस मौके से फायदा उठाना अवेल द अपॉर्चुनिटी मौके से फायदा उठाना अवेल द टाइम टाइम से फायदा उठाना अवेल का मतलब क्या है फायदा उठाना, फायदा उठाना। हाँ मैसर लाना कारामत बनाना लाइक दिस अवेल यू शुड अवेल द चांस ओके हमें चांस को क्या करना चाहिए अवेल करना चाहिए मौके से फायदा उठाना अवेल द चांस एक और कहते हैं कि मौका देख के वो क्या बोलते हैं हिट द आयरन कहते हैं हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट भाई आयरन लोहा गर्म होगा जब उस पर मारो जबी तो वो मोल्ड होगा मोल्ड होगा क्या होगा मोल्ड का मतलब क्या है ढलना ढलना हाँ ढलना चेंज हो जाना ढलना चेंज हो जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल धल और ढलने की मतलब क्या होगा ऋतु में मोल्ड ढलना ढाल लेना किसी चीज को मोल्ड मोल्ड है मतलब ढाल लेना एक और कहावत है ना इंग्लिश में सोसाइटी मोल्ड द मैन क्या कहावत है एक और कहावत क्या है सोसाइटी मोल्ड द मैन सोसाइटी माहौल इंसान को क्या करता है अपने अंदर ढाल लेता है जहां पे आप जाएंगे वैसे हो जाएंगे जेल में जाएंगे क्रिमिनल हो जाएंगे बिकॉज सोसाइटी मोल्ड द मैन

ओके, अवेल मौके से फायदा उठाना हिट द आयरन वन इट इज हॉट मोल्ड का मतलब है ढाल लेना कुछ भी फीलिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि उसने मुझे अपनी तरफ ढाल लिया ही मोल्ड लोहे को ढालना बदलना मोल्ड हिट द आयरन वन इट इज हॉट मतलब आयरन को हिट करो जब वो गर्म हो जैसे ही मारोगे उसको वो शेप चेंज हो जाएगी तो मोल्ड ढालना एनी वे यस

ओके अगेन कम बैक टू द लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट हैड टू हम बात कर रहे थे हैड टू लेक्चर के बारे में हैव हैज टू का बड़ा भाई हैव हैज टू का पास्ट ऐसा कोई काम जो पास्ट में मजबूरी के तहत करना पड़ा वी डिडंट वांट टू डू दैट वर्क बट वी परफॉर्म ड्यू टू नेसेसिटी ड्यू टू कंपल्शन सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आई हैड टू गिव प्रेजेंटेशन आई हैट गेव प्रेजेंटेशन मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी देनी पड़ी ओके okay? तलहा कहते हैं मैं बिल्कुल ही तलहा कहते हैं, मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं था प्रेजेंटेशन के लिए आई हैड नो पॉइंट आई वॉज नॉट रेडी फॉर प्रेजेंटेशन बट यू नो सर एम्पेसाइज सर ने जोर डाला क्या किया सर एम्पेसाइज सर एम्पेसाइज किया सर इंसिस्ट सर ने जोर डाला सर एम्पेसाइज इंसिस्ट सर ने जोर डाला एम्फसाइज़ किया या फोस्ट सर फोस्ट मी दैट्स व्हाई आई हैड टू गिव प्रेजेंटेशन इसीलिए मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ी कब देनी पड़ी पास्ट में आई हैड टू गिव प्रेजेंटेशन मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ी और फिर वही वाली बात जो मैं कहता हूं हमेशा इसको एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है इसको मिला के ऐसी आवाज निकलती है हैट हां हैट जैसे हैव टू तो को मिला के हैवट तो,

मैविश कहती हैं सर आई वॉज वेरी मच टायर्ड मैं बहुत टायर्ड थी आज सुबह मगर फिर भी मुझे नादरा ऑफिस जाना पड़ा बट बिकॉज देर वॉज सम इम्पॉर्टेंट वर्क जाना नहीं चाहती थी मगर क्या है भाई नेसेसिटी थी मजबूरी थी तो ये कहती हैं आई डेंट गो बट आई नादरा ऑफिस मुझे नादरा ऑफिस जाना पड़ा फातमा को वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है सब्जियाँ खाना पसंद नहीं है इनको इनको गोश्त खाना पसंद है गोश्त पसंद है आपको चिकन का मटन का या बीफ का या तीनों पसंद है ओ बीफ और चिकन मटन नहीं मटन तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बकरा नहीं खाती हो खाना चाहिए बकरा अल्लाह के नबी के फेवरेट बकरा है आगे वाला इस्ताद दस्ती जिसको कहते हैं वो उनका फेवरेट था एनी वे यस तो ये कहती हैं सर मुझे मीट पसंद है गोश्त पसंद है वेजिटेबल्स पसंद नहीं है और आज इनके घर में क्या बना था वेजिटेबल्स तो ना चाहते हुए भी ये कहती है सर आई हैड टू ईट वेजिटेबल्स मुझे सब्जी खानी पड़ी क्यों भाई नेसेसिटी कंपल मजबूरी थी ये पास्ट है पास्ट है मगर उसमें ही कह रही है कि खानी पड़ती है इसमें पास्ट की बात कर रही है आज जो पास्ट में हुआ कहती है आई हैड टू ईट वेजिटेबल्स मुझे वेजिटेबल्स खानी पड़ी वी हैड टू टेक क्लास और आतिफ कहते हैं सर आज हम इंटीरियर से आए होम टाउन से अपने पूरा यू नो वी ट्रेवल यू नो होल नाइट एंड वी वर वेरी मच इन द मॉर्निंग हम सुबह में बहुत थके हुए थे फिर भी हमें फिर भी टीचर ने कहा था एबसेंट नहीं होना सो वी हैड टू टेक क्लास हमें क्लास लेनी पड़ी इवन क्लास में हम सो रहे थे फिर भी वी हैड टू टेक क्लास हमें क्लास लेनी पड़ी तो ऐसे तमाम आप उम्मीद करता हूँ आपको सेंस समझ आ रहा है कि सेंस क्या है ऐसा कोई काम जो पास्ट में करना पड़ा ना चाहते हुए भी शी हैड टू गो देयर लेट सपोज माविश इज हेयर सो शी हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क शी हैड सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस शी हैड अ फिश टू फ्राई फिश टू फ्राई ये अजीब ईडियम है ब्रिटिश का मुझे अक्सर फिश टू फ्राई कोई काम करने को कोई काम करने, मैं कहता हूँ सात बजे के बाद मेरे मुझे तुमसे काम है नो no, तो 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 सर आई तो है।, तो है? है तलने को वैसे ये एक इसका क्या मतलब है? मेरे पास कुछ काम है करने को आई हैं ना इमवरे ऐसे ही होते हैं हमें अपने मुहावरे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो अजीब नहीं लगते बेड़ा गरक हो गया बेड़ा गरक हो गया हालांकि डीप में सोचो तो मीनिंग क्या है बेड़ा का मतलब होता है जहाज जहाज गरक हो गया डूब गया कभी हमने जोर ही नहीं दिया बस हमें पता है बेड़ा गरक हो गया का मतलब है काम खराब हो गया तो ऐसे ही हमारे जैसे ईडियम महावरे अजीब अजीब है ना ऐसी जो है ना इंग्लिश के भी ईडियम अजीब अजीब है मगर हमें वो अजीब लगते हैं क्योंकि हमारी जबान नहीं है इसलिए जैसे ये फिश टू फ्राई फिश टू फ्राई मैं कहता हूँ मैं भी शाह को एक असाइनमेंट करना है कहती है नो सर नॉट टूडे बिकॉज आई हैव फिश टू फ्राई मेरे पास कुछ काम है करने को आई हैव फिश टू फ्राई तो कहती है सर आई हैड फिश टू फ्राई मुझे कुछ काम था करने को फिर भी आई फिर भी शी हैड टू गो हैदरा ऑफिस इन्हें नादरा ऑफिस जाना पड़ा तो पास्ट क्या बात करता है हैड टू प्लस फॉर्म ऐसा कोई काम जो हम करना नहीं चाहते थे मगर हमें मजबूरन करना पड़ा ओके आई हैड टू गिव यू दिस लेक्चर ई हैड हैड एक मुझे सर में दर्द था जस्ट किडिंग बट आई हैिव यू दिस लेक्चर मुझे यह लेक्चर देना पड़ा मुझे लेक्चर देना पड़ा आई है आई हैड टू गो देर आई हैड टू स्पीक टू हिम नुमान कहते हैं सर मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है बट आई हैड टू स्पीक टू हिम मुझे उससे बात करनी पड़ी ओके okay? नादिया कहती है सर सिर्फ एक असाइनमेंट सबमिट करना था मुझे इसीलिए आई हैड टू गो यूनिवर्सिटी मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला हूं मैं आई एम गोइंग टू मेक यू कंफ्यूज लिटिल लेट वेन इट कम्स टू नेगेटिव इट कम्स टू नेगेटिव सो वी से आई जैसे मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी तो नेगेटिव क्या होगा आई डिड नॉट और हैड में चेंज हो जाएगा हैव में आई डिड नॉट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन आई डिड नॉट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी डिड नॉट आया जैसे हैव हैज टू में डू नॉट आता था यहां क्या आया डिड नॉट और हैड किस में चेंज हो गया हैव में ये रूल है भाई जब डिड आता है तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चेंज हो जाती है और हैड कंसीडर की जाती है सेकंड फॉर्म सो वो हैव में चेंज हो जाएगी आई हैड टू गिव प्रेजेंटेशन मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी आई डिडंट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी ओके okay, या yeah, मैं इसको कर देता हूँ ही डिड नॉट प्रेजेंटेशन उसे प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ी और सवाल क्या हो जाएगा डिड ही क्या उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी डिड ही उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी मुझे स्कूल जाना पड़ा नोमान 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 आई गो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा I did not have, have to, have to हाँ टू पहले वाले में नेगेटिव में मुझे के बाइक खराब हो गई माई बाइक वॉज खराब खराब क्या बोलेंगे माई बाइक वॉज खराब माई बाइक वॉज नो ब्रोके टूटी हुई थोड़ी थी खराब हुई है माई बाइक वॉज या आउट ऑफ ऑर्डर इसलिए मुझे मैकेनिक uh, uh, no, को बाइक देनी पड़ी मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा ये क्या होगा मैकेनिक uh, मुझे खुद काम आता है आई नो वेरी वेल तो मुझे मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ा हाँ वही गलती कर रही थी आप आपने कहा आई हैड टू गो मैकेनिक मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा तो आपने सोचा शायद नेगेटिव होगा आई हैड नॉट हाँ यही बनाने वाली थी ना आई हैड नॉट हालांकि क्या होगा डिड नॉट हैव हैव टू 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 गो गो आई डिड नॉट द मैकेनिक मेरी मदर घर पे नहीं थी फातिमा कहती है माई मदर वॉज आउट ऑफ द होम मेरी मदर घर पर नहीं थी तो आप कहती है कि खुदा ना खास्ता कहती है कि मुझे खाना बनाना पड़ा माई मदर वॉज नॉट एट होम सो मुझे खाना बनाना पड़ा आई हैव टू कोक फूड वो तो शुक्र है फूड पांडा था मैंने खाना नहीं बनाया फूड पांडा से ऑर्डर कर दिया मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा आई डिड नॉट क्या मुझे खाना बनाना पड़ा हाँ डिड आई हैक फूड डिड आई हैक फूड ओके आप कहते हैं सर आई गॉट स्टक आई गॉट ट्रैप मैं फंस गया था एक जगह तो मुझे मेरे अंकल को बुलाना पड़ा मुझे अपने अंकल को नहीं बुलाना पड़ा I हाँ कॉल टॉल वॉल कॉल माय अंकल सो दिस इज ऑल अबाउट necessity. थोड़ा सा और कंफ्यूज करने जा रहा हूं आपको फर्स्ट फॉर्म की जगह बी और हैव लगा के हम लोग इसका नॉन एक्शन भी बना लेते हैं क्या बना लेते हैं नॉन एक्शन जैसे कंडीशन एंड प्रॉपर्टी नॉन एक्शन भी बना लेते हैं कम इन कम इन कम इन बॉय कम इन इसका हम लोग नॉन एक्शन भी बना लेते हैं अक्सर कैसे बनाते हैं कि मुझे सात बजे हॉल में होना पड़ा आई हैड टू बी इन हॉल एट सेवन आई हैड टू बी इन हॉल वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ गया बी मुझे पॉइंट्स रखने पड़े प्रेजेंटेशन के लिए आई है प्रेजेंटेशन मतलब बी और हैव लगा के हम इसका नॉन एक्शन बना सकते हैं जिसमें काम नहीं हो रहा होगा हालत और मिलकियत बताई जा रही होगी मुझे क्लास में होना पड़ा नौ बजे एट नाइन ओ क्लॉक आई हैड टू बी इन क्लास आई हैड टू बी इन क्लास

We use it for past necessity and compulsion. Asa koi kaam jo past mein majboori ke taahad aapne kiya. Subject, had to, plus verb's form, plus object. I had to take class. I had to give presentation. I had to write lecture. Sare tamam kaam jo past mein kiya. Jab negative banega, to did not say. Or did not aayega, to verb ki first form aajayegi. I had to play cricket. I had to go there. I did not have to go there. Did I have to go there? So you understand? Had to, plus verb's form pass compulsion and necessity okay so why don't you make sentences right away